अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 पर इस बार करीब 2.5 लाख दिए जला रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में अयोध्या में 6,06,569 दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के PRO आशीष मिश्रा अपनी टीम के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर विशेष बातचीत करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 में अयोध्या की तर्ज पर पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों को जहन में रखकर 18 लाख दीप जलाने की योजना थी, लेकिन COVID-19 के कारण इस योजना को इस वर्ष अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। लेकिन दृढ़ निश्चय है कि अगले वर्ष 18 लाख दीपक जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इससे कुरुक्षेत्र का नाम पूरी दुनिया में दीपोत्सव से भी जाना जाएगा। हर वर्ष करीब 5 से 6 लाख दिए जलाए जाते हैं, विश्व रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। इस वर्ष अयोध्या की ही तर्ज पर कुरुक्षेत्र आज दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। 18 अध्याय होते हैं, उसी तर्ज पे हम लोग 18 घाट बना के यहाँ पे 1,80,000 दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि द्वापर से त्रेता का मिलन कराने की तैयारी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जो भी रचनाएं हैं, जो बातें हैं, उनके सामने रखा है। कुछ NGO है, करीब 30 NGO है, 30 संस्थाएं हैं, उनको मिला के हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने की कोशिश करेंगे, जिससे आम जन सहभागिता, आम आदमी भी उस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करेगा। देखिए, इस बारी जो गीता जयंती का जो समापन समारोह है, उसमें हम दीप बहुत बड़े स्तर पे दीपोत्सव मना रहे हैं, जिसमें करीबन 2.5 लाख के करीब दिए हैं जो जलाए जाएंगे ब्रह्म सरोवर पे तट पर। और ये जो जो काम है दीप जलाने का, ये जो विभिन्न संस्थाएं हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं नगर की, उनके द्वारा ये किया जा रहा है। सबने मिलके अराउंड हमारे पास 35 ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे पास आई, जिन्होंने कहा कि वो रेडी हैं दीप उत्सव करने के लिए, तो उनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाएगा 25 को शाम को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर लाखों दीयों से जगमगाएगा। कोरोना काल में हो रहे गीता महोत्सव के अधिकतर कार्यक्रम ऑनलाइन तरीके से आयोजित किए गए हैं। ऐसे में ब्रह्म सरोवर पर एक साथ लाखों दीयों को जलाए जाने से माहौल और भक्तिमय हो जाएगा। पंजाब केसरी TV चंडीगढ़ के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।